पंच को पीछे करने के लिए हुंडई को कुछ तो करना ही होगा और वही तैयारी शुरू हो चुकी है हुंडई की नई माइक्रो एसयूवी के साथ में, जो कि पंच के लिए रियली तगड़ा कॉम्पिटिटर हो सकती है। क्या फीचर्स आने वाले हैं, क्या क्या मिलेगा, ये सब जानने की कोशिश है इसी वीडियो के थ्रू। मैं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। हुंडई की तैयारी नई माइक्रो एसयूवी की है। हाँ, इस सेगमेंट को मिनी नहीं माइक्रो एसयूवी कहा जाता है, जिसमें कि भारतीय बाजार में ऑलरेडी तीन कारें मौजूद है। टाटा पंच जो सबसे ज्यादा बिकती है, दूसरे नंबर पर इग्निस, वह भी बड़े अच्छे नंबर में बिकती है और साथ ही अब तो उसमें नया अपडेट भी आ गया है, और तीसरी कार है सिट्रोएन C3। हालांकि सिट्रोएन अपनी कार को हैचबैक कहकर बुलाती है और इवन मारुति भी अपनी इग्निस को हैचबैक कहकर ही बुलाती है, लेकिन है ये सिमिलर ऑलमोस्ट सभी कारें माइक्रो एसयूवी। तो अब क्या क्या फीचर्स आने वाले हैं, पहले उनके बारे में बात करूं, उससे पहले बात कर लेता हूं किस प्राइस में आएगी, क्योंकि इसकी प्राइस की संभावना है 6 लाख रुपीज से लेकर 10 लाख रुपीज तक। अब ये बताऊंगा सबसे आखिरी में कि कब लॉन्च की जाएगी, उससे पहले बात करते हैं देखने में कैसी लगी। अभी तक कुछ लीक्स आ चुके हैं, उन लीक्स के अनुसार बाहर से देखने में यह कार काफी कुछ मिनी वेन्यू जैसी नजर आएगी, स्पेशली इसकी डीआरएल और हेडलैम्प यूनिट की वजह से। हालांकि इसका ग्रिल कुछ डिफरेंट होगा हुंडई के वेन्यू के मुकाबले, यह काफी कुछ i20 जैसा नजर आएगा। हालांकि डिजाइन फिलॉसफी वही फॉलो की जाएगी जो कि हुंडई अपनी नई कारों में दे रहा है। नई कारें कौन सी, वेन्यू और टुशो। तो अगर आपसे टुशो का वीडियो मिस हो गया हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। फ्रंट से काफी कुछ देखने में यह ऐसी ही लगेगी। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो सबसे पहले तो आप इसके टायरों के बारे में जानें। उम्मीद है यहां पर आपको 15 इंच के अलॉय और स्टील दोनों के ऑप्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 180 से लेकर 195 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी आपको इस माइक्रो एसयूवी के साथ। इसकी टॉल बॉय डिजाइन होने की वजह से यह कार काफी ऊंची होगी कंपैरेटिवली पंच के, यानी एसयूवी जैसा दिखने की कोशिश होगी, और बड़ा सा ग्लास एरिया भी मिलेगा, और हाँ हैंडल खुलने वाले ही होंगे, वो पुल टाइप के नहीं होंगे, पैसे बचाने वाले। ठीक है, अब बात करें रियर प्रोफाइल की। यहाँ पर लीक्स सबसे कम है और जिसकी वजह से इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि यह पीछे से कैसी दिखेगी। जैसा कि अनुमान है वह ये कि पीछे भी इसमें कुछ कुछ एलिमेंट जो इसकी टेल लैंप के हैं वो वेन्यू जैसे लिखेंगे, वो भी पुरानी वाली वेन्यू, नई वाली वेन्यू में तो कनेक्टिंग भी हो गई है, अब यह कुछ कुछ पुराने वेन्यू जैसा नजर आएगा। इसके अलावा आपको इसमें शार्क फिन एंटीना मिलेगा, रूफ रेल भी मिलेगी। लीक्स इमेज जो कि इंडिया के नहीं है, बाय द वे क्लियर कर दूं आपको, यह कार इस समय साउथ कोरिया में टेस्ट हो रही है और वहीं पर डिजाइन की गई है, लेकिन इस कार का मेन मार्केट जो है वह इंडिया ही है। यानी यह कार ये मान के चलें कि इंडिया के लिए ही डिजाइन की जा रही है। और इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है फीचर्स वाइज, तो रियर कैमरा, पार्किंग सेंसर्स, ये सारे फीचर्स तो आपको मिलेंगे इस कार के साथ। और उम्मीद है कि आगे पीछे दोनों ही पहियों में इसमें डिस्क ब्रेक दिए जा सकते हैं, जैसा कि वेन्यू एन लाइन में ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। तो कंपनी थोड़ा सेफ्टी पर ज्यादा जोर करना चाहती है, क्योंकि सेफ्टी की शुरुआत ही ब्रेक्स से होती है। जिस कार के ब्रेक्स अच्छे ना हो वो किसी काम की नहीं, चाहे कितने भी उसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग क्यों ना हो। हाँ, वो पेड और अनपेड के बीच का डिफरेंस आप लोग सीख चुके हैं, अब बताने की जरूरत नहीं है, और जो अभी भी नहीं जानते तो वो नादान है, तो उनको खुद स्टडी करना चाहिए ताकि वो समझ सकें कि पेड क्रैश टेस्ट रेटिंग क्या होती है और दूसरों की कारों को कौन टेस्ट करवाता है और उसके पैसे कौन देता है। अब बात करते हैं कार के इंजन की। हाँ, यहाँ पर आपको हुंडई का ट्राइड एंड टेस्टेड 1.2 लीटर कापा इंजन ही मिलेगा, जो कि RDE कंप्लायंस होगा और साथ ही यह E20 फ्यूल के लिए भी रेडी होगा, जैसा कि i10 Nios में दिया जा चुका है।
यह लगभग 83 पीएस की पावर देगा 114 एनएम टॉर्क के साथ। हाँ, इसका अनुमान यही है कि यह 114 एनएम का टॉर्क देगा। अब आपसे बात किया जाए, क्या इसके साथ कोई और ऑप्शन मिलेगा? तो शुरुआत में तो हमें उम्मीद है कि यह पेट्रोल इंजन के साथ ही आएगी, लेकिन भविष्य में इसके सीएनजी के साथ आने की बहुत संभावना है। यानी सीएनजी मार्केट को भी हुंडई जल्दी छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उसे पता है कि सीएनजी से सेल्स के नंबर्स बहुत तेजी से इंक्रीज होते हैं। अब बात कर लेता हूं आपके साथ, क्या यह मैनुअल और ऑटोमेटिक में भी आएगी? अनुमान यह है कि यह कार 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और एएमटी के साथ दी जाएगी, जो हुंडई का अपना एएमटी है और वह काफी स्मूथ है, जैक फ्री भी है, तो उसके साथ दी जाएगी। सैडली कोई जेन्युइन ऑटोमेटिक की संभावना नहीं दिखती है। कंपनी क्या 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन देगी? इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी है, वजह बताऊंगा आपको वीडियो के अंत में। अब बात करते हैं इंटीरियर में क्या मिलेगा। इंटीरियर में हुंडई का नया म्यूजिक सिस्टम आ सकता है इस कार के साथ, जो कि 7 इंच और 10 इंच साइज का होगा। यानी हुंडई की तैयारी अपने AI3, हाँ, इस कार का अभी यही कोड नेम है, हो सकता है इसको एक नया नाम मिल जाए, लेकिन यह कार कैस्पर नहीं है। ओके, इसको नाम भले कैस्पर दे दिया जाए या कुछ और दे दिया जाए, लेकिन ये वो कैस्पर नहीं है जो भारतीय बाजार में हमने उसके लीक्स इमेज देखे हैं, ये वो कार बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? तो गलतफहमी से अब अपने आप को दूर कर लें और अब बात करते हैं इसके फीचर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट। हाँ, आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलेगा टॉप एंड वेरिएंट के साथ, बड़ी MID मिलेगी जिसमें आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। इसके अलावा आपको बड़ा सा टैकोमीटर और स्पीडोमीटर मिलेगा। होपफुली जैसी अनुमान है उस हिसाब से ये i10 में आने वाला सिस्टम यहाँ दिया जाएगा, और इसके अलावा i20 वाला जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है वह भी यहाँ दिया जा सकता है। इस वर्जन को इंडियनाइज किया जाएगा, यानी इंडिया के अनुसार डिजाइन किया जाएगा स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए, ताकि इसकी कॉस्ट को कम रखा जा सके, क्योंकि जब ज्यादा लोकलाइज होगा तभी तो कार की कीमत घटेगी, और यह बात हुंडई को अच्छे से मालूम है, इसलिए वह इस कार को काफी लोकलाइज करेगी, काफी पार्ट की शेयरिंग करेगी ताकि काफी सस्ती किया सके। इसके अलावा आपको कूल्ड ग्लो बॉक्स, जो हुंडई की सबसे बड़ी खासियत में से एक है, वह भी इसके साथ दिया जाएगा। डैशबोर्ड सिंपल रखने की संभावना ज्यादा है। अच्छा, आपको हेडरूम मिलेगा, हालांकि इसका व्हील बेस की संभावना लगभग 2450 mm की होने की है, तो अगर यह इस व्हील बेस पे आती है तो भीतर आपको बड़ा स्पेस मिलेगा, आगे ही नहीं पीछे की सीटों पे भी, और आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिए जा सकते हैं। साथ ही आपको 3-point सीट बेल्ट सभी 5 सीटों में दी जाएगी। चाइल्ड आइसोफिक्स एंकर्स शुरुआत से स्टैंडर्ड रखे जाएंगे। साथ ही यह कार अपने लोएस्ट वेरिएंट में भी 4 एयरबैग के साथ आएगी। इसके अलावा हिल होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ABS, EBD, डिस्क वाइप जैसे फीचर्स भी इसके साथ आपको मिलेंगे। यानी कंपनी का इरादा कार को जरूरत से ज़्यादा एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स देने का है। अब बात करते हैं इस कार को कब लॉन्च किया जाएगा। अनुमान यह है भारतीय मार्केट का जो फेस्टिवल सीजन है, यानी दीपावली, उससे ठीक पहले इस कार को भारतीय बाजार में दिया जा सकता है, बशर्ते कोई बड़ी ऊंच नीच ना हो जाए, जैसे कि कोई क्लियरेंस गवर्नमेंट की तरफ से ना मिल पाए तो ही इस कार को लेट हो सकेगी। आइदर यह इस टाइम पर लॉन्च करने का इरादा है कंपनी का, और शायद यही रीजन है कि छोटी छोटी गाड़ियों का पोर्टफोलियो कंपनी कम कर रही है, ताकि वह इस कार के लिए स्पेस
बना सके। AI3 क्या भारतीय बाजार में सक्सेसफुल होगी, यह वक्त बताएगा। हालांकि यह बात बिल्कुल सही है कि इंडियन मार्केट में इस तरह की कारों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है, जो कि बड़ी SUV का बजट नहीं रखते हैं। ऐसे कस्टमर्स इन माइक्रो SUV से अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। और जब बात आए रिलायबिलिटी की, ट्रस्ट की, रिफाइंड इंजन की, बेहतरीन क्वालिटी के प्लास्टिक मटेरियल बिल्ट की, तो हुंडई ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है दूसरी कारों के मुकाबले, जिनकी क्रैशटेस्ट रेटिंग तो 5 स्टार होती है लेकिन प्लास्टिक क्वालिटी काफी पुअर होती है। ऐसी कारों के मुकाबले क्या इस कार पर इंडियन फिर भरोसा करेंगे, जैसा वह हुंडई की कारों के साथ अक्सर करते हैं? मैंने पिछले अपने एक वीडियो में कहा था हुंडई अपना स्पेस छोड़ना चाहती है, काफी कुछ ये बात सही लग रही थी। लेकिन क्या यह नई आने वाली AI3, अभी इसे कोई नाम नहीं दिया गया तो मैं इसी नाम से बुलाऊंगा, वो जगह बना पाएगी? आप लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करना जो आपका अपना है, और नहीं भी है तो भी, देख भाई मैं कुछ बढ़िया लेने का प्लान कर रहा हूं, तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा। फेसबुक पर देखे तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पर देखे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ, क्या पता वह वीडियो हुंडई वर्ना का हो या नई आने वाली होंडा सिटी का। देखते रहिए आस्क कार गुरु।